तो आज तो भैया पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्या चल रहा है खुशी, क्या बना रही हो? ये ना कहाँ कहाँ से नई नई रेसिपी ला रही है निकाल निकाल के। आपने बोली थी चिल्ली हनी पटेटो। हाँ तो मैंने ही बोला था, तो मैंने ये थोड़ा ना बोला था बना लेना। मैंने इनको रात ला के खिलाया था चिल्ली हनी पटेटो, हनी चिल्ली पटेटो। तो ये अभी घर में बन रहा है। तो ये स्प्रिंग अनियन कट रही है और हम खाएंगे चटनी से रोटी। देखो भाई हम खाएंगे चटनी से रोटी, हमारी चटनी से रोटी बन गई है। ये देखो जरा, और इधर चिल्ली हनी पटेटो बन रहा है। जब ये पूरा फाइनल बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि खुशी आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रही है कुकिंग में। अब कोको क्या कर रहा है सुनो? कोको बहुत सदमे में है, जब से उसकी ग्रूमिंग कराए हैं तब से उसको ये लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या करा दिया। तो बहुत डिप्रेशन में चला गया, डॉक्टर को दिखा के लाए तब भी इसके चेहरे की रौनक वापस नहीं आ रही। तो इसको डिप्रेशन से बाहर लाया जाएगा। कोको, हाँ मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, सूखा सूखा सा कर दिया, पूछ वो छप्पा आंटी। नहीं नहीं नहीं, और मैं बच्चा, और एक ये इधर ठाली इंसान, कोई काम नहीं कोई धाम नहीं, पूरे दिन टीवी देखेगा या तो या बस खाएगा, कोई काम धाम नहीं है। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम मैं अभी अभी अपने हाइबरनेशन से निकला हूं बेटा, बकवास करता फिरता रहा है। चलो भाई हमें ब्रेकफास्ट दे दो, पापा कहां है? एक ये है पापा जी हमारे, नहीं ठाली तो नहीं है, इन्हें तो बहुत काम है। नहीं मैं ये कहने वाली नहीं थी, ठाली तो तुम नहीं हो, तुम्हें तो बहुत काम है, लेकिन इन्हें बच्चों को तुम कुछ कहते नहीं हो, बस टीवी दिखाते रहोगे इन्हें, टीवी टोक नहीं सकते इन्हें तुम, क्या सुबह सुबह कुछ करो। और ये देखो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है मेरा डिप्रेशन वाला कुत्ता। मेरा बच्चा। देखो देखो देखो, फिर कुर्सी पे बैठ जाएगा। पापा से अभी तुम लोगों पर डंडा फिर सकता है। मम्मी मत करो, देखो बंद कर रही हूँ वीडियो। भागो 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 पापा, भागो भागो पापा, चिल्ली हनी पटेटो बन रहा है, मैं जाके शूट कर रही हूँ। तो कह रही है कि क्या कहते कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मुझसे मत कहना। हाँ ये चल रहा है हमारा टी टाइम। और ये जो नमकीन लाया ना यश, बहुत ही अच्छी है नमकीन, कितनी अच्छी लग रही है ये। कोको पापा को नमकीन शाम के टाइम बाहर बैठ के बहुत ही बढ़िया लगता है, आराम से पूरा सब देखते हुए चाय पियो, है ना यशो? लो तो फोन में लगे पड़े, बंद कर दो फोन, चाय पीनी है। अच्छा लगता है, चाय पीनी है, बंद करो फोन। सो यम्मी, वाओ चाय भी बहुत अच्छी बनी है, और ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से लेके आए थे यशो? ये वहां से, चांद से, चांद पे से नहीं, देख तो सुना हो, ये चांद से आए हैं। ग्रेट टीचर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ध्रुव भी हमें ज्वाइन करता हुआ, कुर्सी लाता हुआ। खुशी क्या कर रही है? वो चाय से सीखा। अच्छा तुम भी खा के देखो, ये मटर इतनी अच्छी लग रही है ना, खा के देखो, हाँ बढ़िया लग रही है, अच्छी नहीं है? स्पाइसी होंगी, मीठी है। हाँ मीठी मीठी है, ये इनमें सौंफ है ना, तो इसलिए मीठी मीठी। कोको हमें ज्वाइन करता है चाय के टाइम पे, बहुत बढ़िया करके। दूसरी वाली खा लेता, एक और ले आया, ये काजू वाली है। बिस्किट है? बिस्किट नहीं है ये, काजू नहीं है ये। और अच्छा नमकीन बिस्किट है ये, तुम क्या सोच लिख के लाए थे, नमकीन काजू? हाँ। मैं बड़े सस्ते देखिए, बताओ नमकीन काजू सोच के लाए थे ना, ये देखने में भी नमकीन काजू ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि शेप वो है, और निकले ये बिस्किट। ओह माय गॉड, धोखा, रश्मीर चौधरी के साथ धोखा। तो ये है मेरे दो अनमोल रतन, एक राम एक लखन। ये राम ये लखन है, कुर्सी पे कैसे बैठे दोनों? लखन बड़े सूखे क्या? लखन लखन डिप्रेशन में चले गए। लखन जो है ना भाई, हमारे उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला है, हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है कि कोको जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, जब से उसके हेयर कट कराया हम लोगों ने, तो इसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए इसको ऐसे करके हम लोग बैठा बैठा के बातें कर रहे हैं। क्यों भाई ये डिप्रेशन में चला गया बताओ? बाल कटने से कुत्ता डिप्रेशन में चला गया, तो तुम अपने बाल रोज कटाते हो तो तुम्हारा क्या पापा? हमारा कुछ ना होता, तुम डिप्रेशन में नहीं जाते सच्ची में, ये बात मजाक नहीं है ना ध्रुव? डॉक्टर ने बोला है ना? हाँ डॉक्टर ने बोला है कि क्योंकि पता है जिस दिन से इसके बाल कटे ना उस दिन से ये बहुत सुस्त है बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया, इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करवाया होली वाले दिन,
तो ये ना बहुत बहुत परेशान हो गया बहुत। देखो 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 बहुत परेशान है, पूंछ ऐसा टेढ़ी मेढ़ी कर करके घूम रहा है, बहुत सुस्त है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये डिप्रेशन में चला गया है, तो इसको खुश रखना पड़ेगा। तो ये मेरे दो अनमोल रतन जो हैं, अच्छा तो नीचे जा खुश रहेगा। कोको बंदर आ गए, बंदर बंदर ये देखो बंदर से के नाम पे डिप्रेशन चला जाता है। बुफ कर दो, हाँ बुफ करो, बुफ करो जल्दी से। देखो बंदरों के नाम से डिप्रेशन कहाँ चला जा, बंदर के नाम से डिप्रेशन कहाँ चला जा। सारा डिप्रेशन हमारे नाम पे आ रहा है इसका, बंदरों के नाम से इसका डिप्रेशन सब खत्म। कोको बंदर बुफ करो, बंदर बंदर हाँ बंदर बंदर मारो काटो सबको, काट लो मारो काटो, बहुत टेंशन है। तो हम लोग पता है थोड़ी देर के लिए आए हैं बाहर, क्योंकि कोको के लिए ना कुछ थोड़े से टॉय लेने हैं। और ये बात पता है मजाक बिल्कुल नहीं है कि कोको की तबीयत ठीक नहीं है, सच में ही डॉक्टर ने ये बताया है। अभी तक तो सब लोगों को ना मजाक लग रही है ये बात कि हम उसके लिए कह रहे हैं वो डिप्रेशन में चला गया, ये वो सच में उसको कुछ हो गया है। और डॉक्टर ने यही बोला है कि ये सदमे में है, जो इसका हेयर कट कराया ना आपने वो बहुत छोटा करा दिया, तो इसको अपने आप को ना अजीब सा लग रहा है, मतलब इसको ये लग रहा है कि मैं नंगा हो गया, मतलब मेरे सारे पार्ट दिख रहे हैं ये वो, क्योंकि ये ना बहुत बड़े बालों वाली ब्रीड है, तो ये इतनी कम बालों में कभी नहीं रह पाती है, ना इनको गर्मी लगती है ज्यादा, अगर लंबे बाल भी होते हैं तो इनको गर्मी में नहीं लगती। लेकिन पता क्या होता है, हम लोगों को ये फील होता है कि इनको गर्मी लग रही होगी, प्लस क्या कहते हैं जब बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो पूरे घर में इधर उधर जहां भी बैठता है वहां पे बहुत सारे बाल बाल गिर जाते हैं। इस वजह से मैंने इसकी ग्रूमिंग कराई थी, और मेरे को नहीं पता था यार कि इतना छोटा करने से बाल इतना प्रॉब्लम में आ जाएगा। आपको मैं बता नहीं सकती, मैं तो कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ उसका, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत हो रही है उसको देख देख के, क्योंकि पता है बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, बहुत सुस्त हो गया है, फेस इतना छोटा सा हो गया, मतलब सुकड़ के ना इतना सा हो गया, बिल्कुल चलता ही नहीं है, खुल के चलता ही नहीं है, ऐसा सुकड़ सुकड़ के ही चलता है। और जैसे पहले था ना बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा मतलब सुंदर लगता था, फेस पे भी ऐसा स्माइली फेस रहता था, तो वो सारी चीजें ना बिल्कुल खत्म हो गई। सच में चेहरा तो बहुत ही उतर गया, मतलब इसको बहुत ज्यादा टेंशन है अपने आप को लेके। तो जैसे जैसे इसके बाल ग्रूम होंगे वैसे वैसे इसकी डिप्रेशन जो है वो चला जाएगा, मतलब डॉक्टर ने हमसे यही बोला है। हमने इसको डॉक्टर को भी दिखाया, इसका टेम्परेचर वगैरह भी चेक कराया, वैसे भी इसकी मेडिसिन दी है उन्होंने कुछ के थोड़ा सा ये ना टेंशन में कम रहे, मतलब बहुत सारी चीजें यार पता नहीं क्या बताऊं मैं आप लोगों को, किसी को हंसी आएगी बताओ, कुत्ते भी डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन होता है भाई, जो बहुत पैम्पर तरीके से पले हुए होते हैं ना, जैसे हमारा कोको जो है हमने बिल्कुल इस तरीके से पाला है जैसे हमारा बच्चा, तो उसको ना ये चीज हजम नहीं हो रही कि मुझे इतने मतलब, एक तो जिस दिन उसकी ग्रूमिंग हुई ना वो वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हुए डरता है बहुत ज्यादा, मतलब वो डॉग क्लिनिक कभी भी जाता है ना बहुत डरता है। उस दिन उसके साथ में जब ग्रूमिंग करी ना, तीन चार लोगों ने उसको पकड़ा ये वो, तो उसको वो सब चीजें उसके दिमाग में घूम रही है कि पता नहीं मेरे साथ क्या किया, प्लस उसके फिर बाल पूरे चले गए तो वो सारी प्रॉब्लम हो गई। तो पापा लेने के लिए गए थे उसके लिए टॉय, क्या टॉय लेके आए हो, बोलने वाले, हाँ बोलने वाले और लाइटिंग वाले। मैंने इनसे ये बोला था, मैंने कुछ ऐसे लेके आओ टॉय जो बोले और कुछ लाइटिंग वाइटिंग हो, ताकि उनके पीछे भागे और मतलब कुछ तो करे यार। तो इसके दो तीन टॉय लाए हैं, और बाकी और नहीं मिले, वो नहीं मिले वो जो बड़े बड़े थे, चलो ढूंढते आएंगे इनसे। तो इसके लिए हम लोग ना टॉय ढूंढते फिर रहे हैं, और जो भी होगा देखो बाद में दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर भी आज मुझे उसकी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी है ना, आज थोड़ा सा ठीक लगा ना, कुछ रिएक्ट करता हुआ कुछ लगा के हाँ कुछ कर रहा है, बाकी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बताओ कैसा एक्सपीरियंस है, कुत्ते भी डिप्रेशन में जाने लगे बताओ, तो इंसानों का क्या होगा भाई, ये तो कह रहे बताओ कुत्ते भी डिप्रेशन में जाते हैं, डॉक्टर क्या बोल रहा है, लेकिन जाते हैं। हम लोगों ने भाई देखा सच्ची में बहुत टेंशन हो जाती है, चाहे डॉगी हो चाहे इंसान हो, भाई बहुत टेंशन हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, जान पहचान वाले मिल रहे हैं इधर उधर। क्या टेस्टी चिकन है, वीडियो भी तुम्हें सिखानी पड़ती है कैसे बनाओ कैसे नहीं बनाओ। मैं तो बच्चा हूँ, सब कुछ इन्हें बताना पड़ता है, बिगड़ बताया कुछ नहीं कर पाते, तभी तो मेरी वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बनती। क्या करूं, खुद ही बनानी है, खुद ही एडिटिंग करनी है, कोई हेल्प रत्तीवर करता नहीं, खुद ही मुर्गा तोड़ना है। आ, मुर्गा तो बहुत, देख रोशनी में दिखाओ, सो यम्मी। क्या बताया था उसने, रोस्टेड अफगानी, अफगानी रोस्टेड है ये, बहुत गजब, बहुत ही यम्मी लग रहा है खाने में। लेके आ गए, तो देखो कैसे बैठ के देख रहा है टॉय को, कोको हाँ दूर को फेंक मारियो, देखो ये तुम्हारे टॉय हैं कोको, हाँ ये तुम्हारे टॉय हैं, पता इतना एक्साइटेड होता था ये टॉय देख के अपने, छोड़ दो पापा खेलेगा खेलेगा ऐसी, हर उठ जाओ तुम खेलेगा, लेगा ना अपने आप लेगा, खेलो 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 टॉय के साथ खेलो, उठो पापा उठो,
उससे तो डर गया इसे ले जाऊंगा उसे नहीं ले रहा। अरे बहुत परेशान है ये, मुंह में चुभ रही है उसके। तुम्हारे लिए मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ, ले ली फ्रिज में रख दी। उस वाली आइसक्रीम के साथ ना दो आइसक्रीम फ्री भी मिली। हाँ छोटी छोटी कोको देखियो कैसे बैठा। ये क्या कर दिया दीदी ने, हो स्प्रे कर रही है दीदी, स्प्रे करती फिर रही है दीदी। देखो टोए पे भौंक रहा, कुछ मत कर खुशी। देखो उसके पास को भी नहीं जाने दे रहा किसी को, और भौंके भी जा रहा है। लो 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 बोल है बेटा, बोल बोली बोली खेलो बोल से। हाँ बोली बोली बोल से खेलो। हाँ मेरे बच्चों बोल से खेलो। देखो ऐसा पूंछ टेढ़ी कर रहा है, इसकी ग्रूमिंग करा दी ना, बहुत परेशान है ये। मुंह में भल्ली बोल, मुंह में भर के घूम रहा है। खेलो बेटा, इतना खेलता था ना ये खिलौनों से बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो गया है। बताओ कुत्ते भी डिप्रेशन में जाने लगे तो इंसानों का क्या होगा। है बेबी ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे।